12th maths RBSE, exercise number 1.2, third question, function f real to real है और उसका first part है fx equals to 2x minus 3. इसमें मेरे को bijective prove करना है, यानी एक है कि अच्छा तक पहले prove करना है, उसके बाद इसका inverse भी निकालना है. अब सबसे पहले 1-1 यानी एक है कि फलन है यानी check करने के लिए माना कि यानी लेफ्ट fx1 equals to fx2. ऐसा लेफ्ट करने से अगर मैं इसका रिजल्ट x1 equals to x2 निकाल देता हूं तो ये फलन क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा यानी 1-1 फंक्शन हो जाएगा. अब fx1 equals to fx2 है, fx मेरे पास है 2x minus 3, x की जगह पर x1 रख दो आप इसमें तो आ जाएगा 2x1 minus 3, यहां पर क्या आ जाएगा 2x2 minus 3. fx2 minus 3 और minus 3 दो तरफ से cancel, 2x1 equals to 2x2, 2 से 2 cancel and x1 equals to x2. अगर x1 equals to x2 आ गया इसका मतलब इसके domain के अंदर जो भी element है उन सब की जो unique image यानी सिर्फ एक ही image होगी वो उसके core domain में होगी. Therefore f is 1-1 मतलब एक एक फलन है, एक बार प्रूव हो गई. अब आप इसमें क्या करो कि लेट अच्छा तक के लिए यानी कि ऑन टू के लिए fx equals to y, फंक्शन fx की वैल्यू है 2x minus 3 is equals to y. अब इसमें x की वैल्यू निकाल ली, x वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां 2x है और ये y plus 3 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो x equals to हो जाएगा y plus 3 upon 2. अब इसमें y की वैल्यू हमेशा इस फोर डोमेन से ली जाएगी जो कि रियल है, किसी भी रियल वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट है ना वो हमेशा रियल ही आएगा, यानी x हमेशा क्या मिलेगा मेरे को, इसमें रियल मिलेगा जो कि इसका डोमेन है. तो यानी इसके डोमेन को ये बिलोंग करता है, यानी इसके प्रांत को प्रांत के अंदर ये x की वैल्यू अवेलेबल है. अगर ऐसा हो जाता है ना तो हम क्या कहते हैं, f is onto, onto मतलब यानी कि फलन कैसा है, अच्छा दर है, यानी कि अच्छा दर फलन ये प्रूव करना था. Therefore f is bijective, bijective का मतलब क्या हो गया, f के f की अच्छा दर फलन है. थोड़े से नाम का ध्यान रखेंगे अच्छा दर. तो अगर ऐसा होता है इसका मतलब इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है, यानी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. Therefore f इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि f इन्वर्स निकाला जा सकता है. अब f इन्वर्स कैसे निकालते हैं, fx equals to y था ना, यहां से देखो यहां x equals to हो जाएगा ये f इनवर्स y, जहां पर x है ना इसमें यहां पर इस इक्वेशन में, बिकॉज x equals to m plus y plus 3 upon 2, x की जगह लिख दो f इनवर्स y, this equals to y plus 3 upon 2. ध्यान से देखो f इनवर्स y है ये, तो ये y में राइट साइड में, मैं इसको f इनवर्स x में कन्वर्ट करना चाहता हूं, f इनवर्स y की जगह x रखेंगे तो राइट साइड में भी x आ जाए, ये इसका इनवर्स पार्ट, ठीक है ना, फंक्शन fx है ये इसका इनवर्स है. तो इसके अंदर हमने क्या किया, बाइजेक्टिव प्रूव किया, यानी एक 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 ही और अच्छा तक प्रूव हो गया और इसका इनवर्स निकल गया. अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट मैं इसको कॉपी कर लूं. इसके सेकंड पार्ट में देखो फंक्शन fx equals to x cube plus 5 है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लेट fx1 equals to fx2, fx1 की वैल्यू यहां से x1 की पावर 3 plus 5 और ये हो जाएगा x2 की पावर 3 है ना plus 5, अब दोनों तरफ से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x1 की पावर 3 और ये x2 की पावर 3, क्यूब रूट ले लो दोनों में यानी पावर 3 दोनों से हट जाएगी तो x1 equals to x2 आ गया.
अगर इसमें एक्स में कुछ एक्स तो आ जाता है ना, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 मतलब एक एक, यानी कि एक एक फलन ये हो गया। अब आप इसमें अच्छा तक यानी कि ऑन टू के लिए बात करें तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू यहां से ले लो एक्स पावर थ्री प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वाई। अब इसमें मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक्स की पावर थ्री इक्वल्स टू फाइव को उधर ले जाए माइनस का फाइव, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव होल पावर वन बाई टू। अब वाई की वैल्यू के लिए चेक करते हैं, वाई की वैल्यू ली जाएगी इस रियल नंबर आर से, को डोमेन यानी सब ब्रांच से लेते हैं अपन इसमें, तो किसी भी रियल नंबर के लिए यानी किसी वास्तविक संख्या के लिए जो कैलकुलेशन आएगी एक्स की वो क्या आएगी, रियली आएगी यानी वास्तविक संख्या ही आएगी। दिस बिलोंग्स टू आर, अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करता है यानी कि इस डोमेन के अंदर एक्स की वैल्यू अवेलेबल होती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई, तो हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब अच्छा, यानी कि ये अच्छा दक फलन है। इससे क्या सिद्ध हुआ, एफ एक एक की भी है और अच्छा दक भी है, देयरफॉर एफ एक्स लिखो बोलो एफ एक्स एक एक की अच्छा दक है। इसे हो गया, यानी कि कह सकते हैं एफ एक्स इज बाई। अब बाइजेक्शन चेक हो गया इसका। अब अगर ये बाइजेक्टिव है यानी एक ही अच्छा तक है तभी इसका इन्वर्स निकल सकता है, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई। तो यहां पर देखो बिकॉज एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी मेरे पास, वाई माइनस फाइव होल पावर वन बाई थ्री, इस एक्स की जगह पर हम लिख देंगे एफ इन्वर्स वाई। अब इसको मैं अगर x में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो अगर मैं लेफ्ट को यहां पर x रखूंगा तो राइट साइड भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, मींस ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 5 होल पावर 1 बाय 3, ये इसका इनवर्स है। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करें। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, दोस्तों को बताएं, वीडियो लाइक भी करें। Thank you for watching. All the best.